यस मैम, मैम, बेसिक इंग्लिश टू प्रोफेशनल, यस, लर्न इंग्लिश इन अ फन वे. गुड. नेक्स्ट इज विजिबल कंजंक्शन रूल्स. देर आर व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर द लिंकिंग वर्ड्स. जो दो सेंटेंसेस के बीच में एक वर्ड हम यूज करते हैं ताकि वो सेंटेंस दो की जगह हमारे पास एक ही रह जाए. ओके मैम, दैट वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन. ओके मैम. देर आर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर यूजिंग कंजंक्शंस. Remember them and you will find that your writing flows better. Like if you use correct conjunction, it will directly impact your writing. अगर आप अच्छे से conjunction, suitable conjunction दो sentences को जोड़ने के लिए use कर सकते हो तो आपकी writing अच्छे से display हो जाएगी. सामने वाले को पढ़ने वाले को लगेगा कि ये इस बंदा पढ़ा लिखा है, इसको नॉलेज है इंग्लिश की. ओके मैम. ओके मैम. कंजंक्शंस आर फ्यू कनेक्टिंग थॉट्स, एक्शंस एंड आइडियाज एज वेल एज नाउंस, क्लॉजेस एंड देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. फॉर एग्जांपल, Mary went to the supermarket and bought oranges. Now, can you please use this sentence without conjunction and is conjunction here? Yes. बिना conjunction के ये दो sentences कैसे बन सकते हैं? Mary went to the supermarket. Mary bought oranges. Yes, Mary went to the supermarket. Full stop. New line will be, next sentence will be. She bought oranges. हाँ, she bought oranges or Mary bought oranges. Yes, ma'am. तो जैसे हमारे पास वर्ड लिमिट होती है, अगर हम कोई ऐसे भी लिख रहे हैं या हम कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, तो हमारे पास वर्ड लिमिट होती है कि आपने इतने वर्ड्स में ही लिखना है. यस मैम. ठीक है, तो हमारी वर्ड लिमिट कैसे खत्म हो जाती है? जब हम सेंटेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम बार बार रिपीटिंग वर्ड्स लिख देते हैं उसमें. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने रिपीटिंग वर्ड की जगह हमने एंड यूज कर लिया. यस मैम. नेक्स्ट इज कंजंक्शंस आर यूजफुल फॉर मेकिंग लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी मेड pancakes, eggs and coffee for breakfast. Like, अगर हम इस sentence के parts कर दें, then how many sentences will be there? Three, ma'am. Three sentences. Please speak out. Three sentences. Yes. Three sentences. Speak those sentences. Okay. We made pancakes. It is not pancakes, it is pancakes. Pancakes. Yes, pancakes. Pancakes. We made eggs. Yes. We made coffee for breakfast. Yes. Now, Mr. Ankur, please repeat this sentence using conjunction. We made pancakes, eggs and coffee for breakfast. It is not breakfast, it is breakfast. Okay, ma'am. Breakfast. We made pancakes, eggs, and coffee for breakfast. Okay. When using conjunctions, make sure that all the parts of your sentences agree. मतलब conjunction जो भी आप use कर रहे हो वो आपके sentence में fit भी हो रहा है कि नहीं हो रहा. ओके मैम. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क बिजीली येट आई एम केयरफुल डज नॉट एग्री. अब इसमें आपको क्या ऑकवर्ड लग रहा है इस सेंटेंस में?
के क्या वर्ड नहीं आना चाहिए? आई वर्क बिजीली येट एम केयरफुल. एम यस. आई करेक्ट विल बी आई वर्क बिजीली येट केयरफुली. मतलब मैं बहुत ही बिजी से ये काम कर रही हूँ, पूरी इच्छा से ये काम कर रही हूँ और ध्यान से कर रही हूँ. ओके मैम. ओके मैम. सो इट शोज एग्रीमेंट फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ दूसरे वाला एग्री हो रहा है. यस. ओके मैम. नेक्स्ट इज कंजंक्शंस लिस्ट. देयर आर ओनली अ फ्यू कॉमन कंजंक्शंस yet these words perform many functions. They present explanations, ideas, exceptions, consequences and contrast. Here is a list of conjunctions commonly used in English. Like this is the list of conjunctions which are commonly used, jo hum baar baar use karte hain. Please read out these words, Rupinder ma'am. And, as, because, what, for, just as, or, neither, nor, not only, so, whether, yet. Mr. Ankur, please repeat. And, as, because, but, for, just as, or, neither, nor, not only, so, whether, yet. Suman ma'am. Yes ma'am. And, as, because, but, for, just as, or, neither, nor, not only, so, whether, yet. Okay, now one common mistake you all three have done. It is not for, it is for. For. और बड़े ओ की आवाज है यहाँ पे फोर. जो फोर आपने बोला वो मैथ्स का जो फोर नंबर होता है ये उसकी साउंड है. ओके मैम. ठीक है. एंड वन इज द वर्ड विच इज रिटन आफ्टर और के बाद वाला वर्ड. इट इज नीदर. नॉट इसको नाइदर नहीं बोलना, नेदर नहीं बोलना, इट इज नीदर. नीदर. ओके मैम. In the following examples, the conjunctions are in the bold for easy recognition. I tried to hit the nail but hit my thumb instead. Is sentence ka meaning kya hai Hindi mein? Ki main ma'am nail ko matlab jo होती है उसको मतलब हैमर से वो करते हैं उसको हिट कर रहा था बट वो मेरे थंब पे लगी. ओके. सुमन मैम आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका मतलब? यस मैम, कील को ठोक रहा था लेकिन उसको उस पे हिट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसकी अंगूठे के ऊपर जाकर लगी. ठीक है. यस, इसमें नेल क्या है? कील, जो दीवार yes, में ठोकते हैं. यस मैम. आई ट्राइड टू हिट द नेल बट हिट माय थंब इंस्टेड. नेक्स्ट, आई हैव टू गोल्डफिश एंड अ कैट. आई वुड लाइक अ बाइक फॉर कम्यूटिंग टू वर्क. व्हाट यू मीन बाय दिस सेंटेंस? अपने काम के लिए मैं बाइक को पसंद करता हूँ, काम पे जाने के लिए. यस, अपने कम्यूटिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. यस मैम. यू कैन राइट डाउन दिस वर्ड. यस मैम. कम्यूटिंग, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके मैम. नेक्स्ट, यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और अ ब्राउनी संडे. मतलब या तो एक ही चीज लेनी है, या तो पीच आइसक्रीम ले सकते हो या ब्राउनी संडे. ओके मैम. ओके मैम. आपको कंजंक्शन समझ आ रही है कौन सी पोजीशन पे कौन सा कंजंक्शन लगाया हुआ है?
Yes, yes ma'am. Next is neither the black dress nor the gray one looks right on me. मतलब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? मतलब ना ही तो काली ड्रेस और ना ही ग्रे वाली आप पे सूट कर दी है. आप पे नहीं मेरे पे. मतलब हाँ जी हाँ जी. इसमें मी है. यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट माय डैड ऑलवेज वर्क्ड हार्ड सो वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वांटेड. This is the very motivational sentence. You should always be thankful to your parents. Yes, ma'am. Okay. Here you can reframe this sentence. अगर आपने बच्चों को अपने students को कुछ सिखाना है अपने बच्चों को कुछ सिखाना है then you can say your parents always worked hard. So you could afford the things you wanted. ठीक है. अगर आपने किसी और बच्चे को सिखाना है तो इसमें आप माय के जगह पे यू यूज कर सकते हो. प्लीज राइट डाउन दिस सेंटेंस. अगर किसी को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हो तो ये वाला सेंटेंस तो सबसे पहले जरूर सिखा देना ताकि अपने पेरेंट्स के लिए वो हमेशा थैंकफुल रहें. यस मैम. श्योर मैम. सेंटेंस रिटन शुड आई मूव फर्दर. यस यस मैम. आई ट्राई वेरी हार्ड इन स्कूल येट आई एम नॉट रिसीविंग गुड ग्रेड्स. येट का मीनिंग क्या होता है? हले तक तुम. हाँ जी. फिर भी अभी तक हले तक. हाँ जी. ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट नाउ दिस इज एमसीक्यू. कंजंक्शन इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक. ओके मैम. ठीक है. इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक जस्ट इट नीड्स प्रैक्टिस. इसकी कोई ज्यादा टाइप्स नहीं होती हैं जैसे नाउन प्रोनाउन वर्ब्स की टाइप्स होती हैं. कंजंक्शंस की ज्यादा टाइप्स नहीं होती हैं बट द थिंग इज आपको अच्छे से वर्ड पता होना चाहिए कि आपने कौन सा वर्ड ज्वाइन करना है दो वर्ड्स के लिए दो सेंटेंसेस के लिए. नाउ दिस इज एमसीक्यूज. हेल्प ऑप्शंस आर गिवन टू यू. ठीक है. टर्न वाइज यू विल स्टार्ट विद योर एमसीक्यू. ओके मैम. My brother loves animals. He just brought a puppy. Dash. Yes. Rupinda ma'am, you gave this answer? Yes, ma'am. Okay. Next, Suman ma'am. Yes, ma'am. I would like to thank you for your for the lovely gift. Yes, good. Next, Mr. Ankur. I want to go for a hike. But I have to go to work today. Okay. Next. They do not smoke. And do they play cards? No. No, nor do they play cards. Yes. इसमें nor क्यों लगाया आपने? Ma'am, not, do not. ना तो वो स्मोक करता है और ना ही वो कार्ड प्ले करता है. यस क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव में है लाइक नॉट है इसमें तो वो नेगेटिव में है तो नेक्स्ट वाला भी वी विल ट्राई कि उसका मीनिंग भी नेगेटिव वाला ही हो. यस दे डू नॉट स्मोक नॉर दे प्ले नॉर डू दे प्ले कार्ड. Next, I'm getting good grades. Suman ma'am, your turn. Yes, ma'am. I'm getting good grades because I study every day. Very good. You should study every day. Yes, ma'am. So, these are the answers.
Next, here are some examples of coordinating conjunctions in English and what they do. For, now remember कि हमने for कहाँ पे use करना है? Presents, rational. They do not gamble or smoke, for they are. There is so much disturbance. I am not able to speak. Yes, they do not gamble or smoke, for they are aesthetics. इसका मीनिंग क्या है aesthetics? इसका मतलब होता है जैसे साधु लोग होते हैं सीधे साधे तपस्वी लोग. Yes, ma'am. सीधे साधे लोग जो जिनके अंदर साधुओं की आत्मा होती है. Okay, ma'am. Next is and. And presents non-contrasting items or ideas. They gamble and they smoke. मतलब दो sentences को connect करने के लिए वो जुआ भी खेलते हैं और smoke भी करते हैं. Or we can change the sentence. The students study and they play. मतलब बच्चे पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं. Yes. Next, nor. Nor presents a non-contrasting negative idea. They do not gamble. मतलब हमारे पास अगर first वाला negative में है तो second वाला भी देखना है. अगर तो कोई अच्छी हैबिट वाली बात है तो उसको भी हमने सेकंड वाले सेंटेंस को भी नेगेटिव वर्ड के साथ जॉइन करना है. ओके मैम. ओके मैम. नेक्स्ट इज बट. प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट और एक्सेप्शन. मतलब जिसमें एक काम ठीक है दूसरा काम गलत है. Okay, ma'am. Next, or presents an alternative idea. Presents an alternative item or idea. Every day they gamble or they smoke. मतलब वो क्या करते हैं? क्या तो जुआ खेलते या smoke करते हैं. इन दोनों में से एक काम वो करते ही करते रोज. Yes. Next is yet. Presents a contrast or exception. They gamble, yet they do not smoke. वो जुआ खेलते हैं पर वो स्मोक नहीं करते. Okay, ma'am. Next, so presents the consequences. मतलब जो काम का रिजल्ट मिले हमें. Like, I study hard, so I get good grades. Okay, ma'am. ठीक है, मतलब इसमें पढ़ने का रिजल्ट मिल रहा है हमें. अगर हार्ड वर्क करेंगे तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा. Yes, ma'am. Okay. This is correlative conjunctions. Correlative conjunctions work in pairs to join words and groups of words of equal weight in a sentence. There are many different pairs of correlative conjunctions. मतलब ऐसे sentences जिसमें हमें दो conjunctions use करने की need हो, दो connectors हमने use करने हैं, या तो ये या तो वो. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So words I'm going to read.
either or means either you go to right or you go to left. मतलब या तो right में जाओ या फिर left में जाओ. Okay, ma'am. Not only then but. Like I am not only a teacher but I am also a human being. Okay, ma'am. Sentence clear हुआ आपको ये? Yes, ma'am. Next is neither nor. Neither they help me nor they allow anyone to help me. या ना तो उन्होंने खुद मेरी help करी ना ही उन्होंने किसी और को मेरी help करने दी. Next, both Dennis and we both are working hard and carefully. Please, can you switch off your mics because so much of disturbance is there. Next is whether or just as so the with the as much as no sooner than rather than. Please take screenshot of this slide or you can write down these words because I will be giving you homework. Are you there? Yes, okay, ma'am. Okay, I will be giving you homework. You have to make sentences using these conjunctions. Okay, ma'am. Okay, ma'am. You can take screenshot. Okay, ma'am. Done, ma'am. Conjunctions of time. अब जो वर्ड्स आपने पीछे देखे हैं लाइक इसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज करने का बताया हुआ है. देन इज आफ्टर वी विल डू दैट आफ्टर यू डू दिस. ठीक है, इसमें आपको सेंटेंस यूसेज बताई हुई है कि आपने कंजंक्शन को किस वे में यूज करना है. ओके मैम. Can you please frame any other sentence using after? I will do job after my study completed. Next, Rupinder ma'am, you try. The policeman ran after the thieves. No. इसमें रन आफ्टर क्या है? इसमें रन आफ्टर आपने एडवर्ब यूज की है. यस मैम. आपने कंजंक्शन यूज करना है. ओके मैम. मैम ये भी हो सकता है आई विल स्लीप आफ्टर ड्रिंकिंग टी. नो. ओके. आई विल गो देयर आफ्टर कंप्लीट माय वर्क. नो. Anything else? Ma'am, why this is incorrect? आपने वो एडवर्ब यूज किया है आफ्टर. ओके. ट्राई समथिंग एल्स. आई विल क्लीन माई हाउस after the guest will go. Okay ma'am. Means मैं अपना घर साफ करूंगी. कब करना है मैंने? जब गेस्ट घर से चले जाएंगे. दो सेंटेंसेस हैं इसमें. Yes ma'am. So this way you have to use the word after as conjunction. Okay ma'am. Next is as long as.
That's fine, as long as you agree to our conditions. As soon as का वैसे regular meaning क्या होता है? जितनी जल्दी हो सके. ठीक है, मीनिंग पता चल गया आपको as soon as का? Yes, ma'am. Next is by the time. मतलब इसका मतलब क्या है? By the time. जब तक. Okay, ma'am. He had left by the time you arrived. मतलब वो तब तक जा चुका था जब आप आए. Okay, ma'am. Next is long before. We will be gone long before you arrive. Next, now that we can get going. Now that they have these two words are not in common use, long before and now that. Okay, ma'am. These are not in common. Next is once. We will have less to worry about once the boss leaves. Matlab jab tak boss hai yahan, boss ke jab tak boss chala nahi jata तो हमें बरी करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट सिंस टिल अंटिल व्हेन व्हेनेवर व्हाइल इज द वर्ड व्हिच वी यूज इन रेगुलर सेंटेंसेस. आई रियली अप्रिशिएट यू वेटिंग व्हाइल आई फिनिश अप. अगर आपकी कोई वेट कर रहा है तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस टू से किसी का थैंक यू करने के लिए. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस. आई रियली अप्रिशिएट यू वेटिंग व्हाइल आई फिनिश अप. अगर कोई आपके काम के खत्म होने की वेट कर रहा है अभी तक आपके लिए तो यू मस्ट से दिस सेंटेंस टू योर फ्रेंड और टू योर. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस. राइट डाउन दिस वन. आई रियली अप्रिशिएट you waiting while I finish up. Now this is again list of conjunctions. Okay, ma'am. Example sentences of using conjunctions. Now here are many, many sentences with which you can get enough practice to use conjunctions. Read two sentences each of you, starting from Suman, ma'am. Yes, ma'am. I can pass after the green light is on. Yes. Although she speaks seldom, she says meaningful words. Iska meaning kya hai is sentence ka? No idea, ma'am. Okay. Get an eye. Seldom, ma'am. सेल्डम मीन्स कम. चाहे वो कम बोलती है पर वो जब भी बोलती है मीनिंगफुल वर्ड्स ही बोलती है. और इसका मीनिंगफुल का ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि आलतू फालतू बातें करना? गॉसिपिंग. गॉसिपिंग इज अ वर्ड. ठीक है, बट एक इसका स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं क्या फालतू की बकवास करे जा रही है, यही कहते हैं ना? यस मैम. यस मैम. ब्लैबरिंग.
क्या मैम? ब्लैबरिंग, BLA. यस मैम. डबल बी. यस मैम. ERING. मतलब बिना वजह बोलते रहना. मैम व्हाट इज द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस प्लीज रिपीट अगेन. इट इज ब्लैबरिंग. ओके मैम. थैंक यू मैम. ओके मैम. दिस इज वेरी न्यू वर्ड फॉर यू. मुझे नहीं लगता आपने ये वर्ड पहले सुना होगा. यस मैम. यस मैम. नेवर. पर हमने बकवास वर्ड तो बहुत बार ही सुना होगा ना. वो तो बहुत ही. ओके नेक्स्ट इज मिस्टर अंकु योर टर्न. ओके मैम. आई वेंट टू बेड एट 10 PM एज आई हैड ए प्लेन टू कैच एट 7 AM. She talked as if he was rich. She talks as if he was rich. Yes. Next, Rupinda ma'am. You can go as long as you are good. I hate broccoli as much as. Yes. As much as I hate cauliflower. Cauliflower. It is. I hate broccoli. ब्रोकली. यस ब्रोकली नहीं है. आपने आई डोंट रिमेम्बर आपने क्या वर्ड बोला था बट वो गलत था. ब्रोकली. इट इज प्रोनाउंस्ड एज आई हेट ब्रोकली. ब्रोकली. यस इट इज ब्रोकली. यस. एज मच एज आई हेट कॉलीफ्लावर मतलब मुझे ब्रोकली से उतनी ही नफरत है जितनी मुझे कॉलीफ्लावर से है. ओके मैम. नेक्स्ट. यस मैम. एज सून एज आई वेंट टू होम आई स्टार्टेड टू वर्क. इट सीम्स एज थो शी इज इन ट्रबल. रिपीट दिस. इट सीम्स एज थो शी इज इन ट्रबल. इट सीम्स एज दो. इट इज नॉट दो. इट इज दो. दो. मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो शायद किसी मुश्किल में है. यस. नेक्स्ट मिस्टर अंकुर योर टर्न. He works every day, even on Sundays. You will go to the cinema even if they don't allow you. Even if they don't. Don't. ये don't नहीं है. It is. It is don't. Don't. Yes. अब यहाँ पे छोटे ओ की आवाज है. Don't. Don't. Next. Even though it rained a lot, we enjoyed the holiday. Holiday nahi hai, it is holiday. Holiday. Michelle has very much money. However, she is not all that happy. What is the meaning? मिशेल के पास बहुत ज्यादा मनी है फिर भी वो खुश नहीं है. ओके इट इज नॉट मिशेल इट इज माइकल. लेट मी नो इफ यू गो टू द स्कूल इफ ओनली मैरिया हैड बीन एबल टू कम. इट इज नॉट मैरिया इट इज मारिया. ओके मैम. नेक्स्ट. People burn forests in order that they have more land. Yesterday, I was watching the football match on TV. Electricity went off. Okay. Now, you were speaking this sentence by breaking words.
है ना, वर्ड्स नहीं ब्रेक करने, इकट्ठे बोलो. जस्ट एज आई वॉज वॉचिंग द फुटबॉल मैच ऑन टीवी, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ. मतलब जैसे, इस सेंटेंस को आप और भी कई तरीकों से यूज कर सकते हो. जस्ट एज आई स्टार्टेड कुकिंग द फूड, यस, देन व्हाट फिनिश्ड, देन द गैस सिलेंडर फिनिश्ड. Or you can use this word with other sentences. Okay. Next okay. is next. Now go home and cook meals. Yes. Eating, I must continue. Yes, this is also a very beautiful sentence. This you can use to motivate others. Once you start eating, you must continue. मतलब खाना खाते time बीच में से नहीं उठना चाहिए. Okay ma'am. इसका हिंदी meaning ये है. तो जब तो ये sentence आप commonly use कर सकते हो. Okay ma'am. इसमें बस I की जगह आपने you करना है या फिर they करना है. कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बट ये सेंटेंस आपको यूज करना आना चाहिए. ओके मैम. नेक्स्ट. आई विल गो टू सिनेमा प्रोवाइडेड द अदर्स गो. यू कैन बोरो द पीसी प्रोवाइडेड दैट यू प्रॉमिस टू गिव इट बैक इन टाइम. Okay, what is the meaning between these two, provide and provided that? क्या difference है इनमें? First वाले sentence का क्या meaning है? मैं cinema तभी जाऊंगा अगर बाकी जाएंगे, others जाएंगे अगर. Yes. Next. नेक्स्ट है कि मैं तुम्हें पीसी तभी दूंगा अगर तुम मुझे प्रॉमिस करती हो कि तुम मुझे इसे वापस करोगे. गुड. नेक्स्ट. आई गो टू थिएटर वीकली रेदर देन मंथली. रुपिंदर मैम आप प्लीज डब्ल्यू को ना डब्ल्यू बोलो, ब नहीं बोलो. कैसे मैम? वी. हाँ वी बोलो. वी. यस वी. I go to theater weekly. Yes, very good. Rather than monthly. Since I was ill for 2 months, I lost my job. Since I was ill for two months. Since I was months, I lost my job. My job. It ye aapne fir isko four bola. It is not four. It is four. Four. Next. She was too late so that she could not apply for the job. Job nahi hai. It is not job, it is job. Job. Okay. Supposing you had a dog, what would you do with it? Yes. Please wait. Don't mind agar main aapki pronunciation beech mein theek karwa rahi hu to. प्लीज डोंट माइंड के मैम हमें बार बार टोक रहे हैं. एक्चुअली इसलिए हम आपके पास ही यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम माइंड नहीं करते बिल्कुल. यस मैम. मैम ऐसी बात नहीं है. ओके. नेक्स्ट. शी रन्स फास्टर देन मी दो इट इज रेनिंग दे स्वैम इन द पूल. दे स्वैम इन द पूल. यस मैम. पूल इसमें ऊपर पे ज्यादा जोर देना आपने. दे स्वैम इन द पूल. ओके मैम. नेक्स्ट. प्लीज स्टे एट होम टिल आफ्टरनून. यस. नेक्स्ट. आई विल गो टू सुपरमार्केट अनलेस इट इज वेरी क्राउडेड. यस. इसमें थोड़ा सा इंग्लिश वाला टच लाओ अपना. आई विल गो टू सुपरमार्केट अनलेस it is very crowded. Crowded nahi, it is very crowded. It's very crowded. Okay. I will go to supermarket unless it is very crowded. Okay.
Next. I waited up for her until 11 o'clock. I was watching TV when she came in. Good. You can come whenever you want. She was eating in the kitchen where there was table. Mr. Ankur, आप भी W को ब बोल रहे हैं. It is ब. Okay, ma'am. You can come whenever you want. Okay, ma'am. Next. He is very funny, whereas he is boring. Yes, this sentence you can use with your friends. We can meet you wherever you want. इसका मीनिंग क्या हुआ? असीं तुहानूं मिल सकदे हां जदों भी तुसीं चाहो. जदों भी नहीं, wherever मतलब जहां पे भी. Where मतलब जगह. Okay. Next. I worry about whether she will be good person. Yes. Next. Found the article which was very important. Good. While I was playing with the children, he came the park. I visited Alice, who was ill. It is not was, it is was. While I was playing with the children, he came the park. Came नहीं है, it is came. Okay, ma'am. Next. Whoever says so is a liar. Liar का क्या मतलब होता? हाँ जी. इसका मैम नाइन लेयर. लायर का क्या मतलब होता है? लायर का मतलब क्या होता है? लायर का मतलब होता है झूठा. जो इंसान झूठा है. लायर मीन्स द पर्सन हु इज नॉट ट्रूथफुल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जो झूठ बोलता है. लायर. ओके मैम. नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज. She asked him why he was playing football. It is not asked, it is asked. Asked. Okay, ma'am. He asked him. Asked. She asked him why he was playing football. K is silent, ma'am. हाँ जी, K is silent. Okay. Now, again, this is a quiz time. Ready? Yes, ma'am. So, options are given. Choose the correct option. But you have to be very quick. Okay, ma'am. Please wait for a minute. I visit the Grand Canyon whenever I go to Arizona. Good. Next. This is the place where we stayed last time we visited. Good. Next. If you win first place, you will receive a prize.
Good. Next. You would not pass the test unless study. Good. Next. I could not get a seat. Though I came early. It is not came, it is came. Came. Next. We are leaving Wednesday. Wednesday नहीं है, इसको good वाली English में बोलते हैं Wednesday. 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 इसमें D silent है? Yes, D silent नहीं है, ness silent है, Wednesday. इकट्ठा ही बोलना है इसको. लाइक डी की बहुत ही शॉर्ट साउंड है. इट इज वेंसडे. ओके मैम. यस रुपिंदर मैम. कंफ्यूज है मैम, इसमें क्या आएगा वेदर. ट्राई करके देखो. वी आर लिविंग वेडनेसडे. Anyone else can try this sentence? We are leaving Wednesday, whether or not it rains. Next. Correct. Pay attention to your work unless you will note mistakes. No. पहले तो ये वर्क नहीं है, इट इज वर्क. आर साइलेंट है. ओके मैम. मैम इसमें सो दैट आएगा, सो दैट यू विल नॉट मिस्टेक्स. यस, सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स. ओके मैम. नेक्स्ट. द म्यूजिशियन डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस एज दे हैड रिहर्स्ड ऑफन. रिहर्स्ड. रिहर्स्ड मतलब रिहर्स्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिस. बार बार रिहर्सल करी. नेक्स्ट. शी इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट्स हर. गुड. नेक्स्ट. राइट दिस डाउन और यू विल फॉरगेट. और यू फॉरगेट. ओके मैम. और यू फॉरगेट और हियर यू कैन यूज लीस्ट यू फॉरगेट. So okay, these are the answers. So this is thank you.